हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हम इसके पहले हाइब्रिडाइजेशन में आपको SP2, SP3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिए और हमने एग्जांपल भी दे दिया। अब हम आपको नेक्स्ट नंबर का हाइब्रिडाइजेशन जो कि हमारा है SP3D और SP3D1 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर SP3D हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको SP3D या जो है SP3D1 हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने हाइब्रिडाइजेशन का डिटेल स्टडी करा दिया, इसके पहले भी तमाम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने बता दिया, तो ठीक उसी तरीके से इसकी भी डिफिनेशन होगी। आप डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें, व्हेन 1s 3p एंड 2d। क्या लिखेंगे? व्हेन 1s 3p एंड नंबर ऑफ 2d 1d, इसको हम ऐसे करें 1d। ये जो है ऑर्बिटल वाला आप 3 मत समझिएगा, इसका मतलब 3p ऑर्बिटल। इस तरीके से s का 1 और d का कितना पार्टिसिपेट करेगा? ओनली 1। ये नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ये जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ये जो है पार्टिसिपेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन 1s 3p एंड 1d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड इन एनी मालिक्यूल सच टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर नोन एज SP3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर एक बार फिर से सुन लीजिए, व्हेन 1s 3p एंड 1d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड देन फॉर्म कितने 5 हाइब्रिड SP3D एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दिस फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ SP3D हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नोन एज SP3D हाइब्रिडाइजेशन। या फिर आप सिंपल में एक ही लाइन लिख सकते हैं, व्हेन 1s 3p एंड 1d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर नोन एज SP3D हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से इसकी डिफिनीशन हुई। अब हम इसमें एग्जांपल लेंगे, किसी मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए PCl5 का हम एग्जांपल ले लें और उसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन हम निकालें, तो कैसे निकलेगा इसको देखिए। जैसे सबका हाइब्रिडाइजेशन निकला हुआ है, ठीक उसी तरीके से इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। तो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल PCl5 का, PCl5 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हम लेंगे। तो देखिए PCl5 मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फास्फोरस 15। सबसे पहले जो है इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, तो इसका हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3।
तुम्हारे ख्याल से 15 हो गया, 2 2 4 6 10, 2 12 3 15, तो यहाँ पर देखिए 3p3। तो अब इसमें आप देखिए हम सेल्स को देखेंगे कितने सेल्स हैं इसमें, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, ये दो हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे यस है पहला सेल है तो, या के सेल है तो उसमें कितना होता है, यस होता है। यल में कितने होते हैं, यस पी होते हैं, और यम में कितने होते हैं तीसरे वाले में, यस पी डी होते हैं। इसको हमने जो है आपको बता दिया है, अगर आप नहीं पढ़े हैं इस चीज़ को तो आप बाउ रूल में जो है या एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो वीडियो बनी हुई है उसमें आप जा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू, और उसमें जो है दिया गया होगा। लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी जो है आपको अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो आप जितने लोग भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है दी गई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यस है, यहाँ पर के है तो इसमें केवल यस पड़ेगा, यहाँ पे जो है यल है तो इसमें जो है यस और पी होंगे, और यहाँ पर जो है हमारा तीसरा वाला है के एल एम, तो यहाँ पर जो है एक यस हो गया पी हो गया, और यहाँ पर जो है हम जो है डी को भी लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है 3d भी आएगा लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो ये देखिए ग्राउंड स्टेट जो होता है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़ आगे नहीं लिखना है। अब हमको देखिए यहाँ पर हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे, इसका ऑर्बिटल हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बना लिया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें जो है तीनों ऑर्बिटल में एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब देखिए अब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमको कितना Cl जोड़ना है, हमको जो है 5 Cl जोड़ना है। तो 3 तो जुड़ जाएंगे, 3 इसमें जुड़ जाएंगे, लेकिन जो है क्या होगा, 2 और जोड़ना है। तो हम देखिए क्या करते हैं कि अब 2 जोड़ने के लिए हम एक एडवांस ऑर्बिटल भी लिखेंगे, हम एडवांस ऑर्बिटल भी लिखेंगे। तो इस तरीके से हम जो है जब एडवांस ऑर्बिटल लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट कराएंगे, तो कहने का मतलब जो है कुल मिला के इसका जो है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए ये जो है हम इसका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दें यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ऑर्बिटल बना रहने दें, ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस 15। तो इसका हम जो है लिखेंगे, तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, फास्फोरस 15 यहाँ भी लिखेंगे, और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और यहाँ पर एक और ऑर्बिटल डाल देंगे एडवांस में 3d0। तो अब यहाँ पर हम 3d0 डाल दिए हैं। अब देखिए आप जानते हैं एक सेल ए हो गया, दूसरा सेल ए हो गया, ये आउटर सेल, ये दोनों इनर सेल हो जाएंगे, ये आउटर सेल है, यस पी डी तीनों हैं। तो अब हम इसका जो है ऑर्बिटल ड्रा करेंगे ठीक उसी तरीके से, ये देखिए यस वाला है, ये पी वाला है, और यहाँ जो है हम सी वाला करेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी डालेंगे देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें चला आएगा, यानी कि डी वाला जो बना हुआ है उसी में जो है चला जाएगा, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो देखिए अब इसमें हम कर दे रहे हैं, यहाँ सिंगल हो जाएगा, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ, और इसमें ऑलरेडी जो है 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए अगर हम जो है फास्फोरस का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अब देखिए अब इसी से जो है 5 क्लोरीन लग जाएंगे, तो एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे,
तो देखिए ये खाना जो है यानी कि एक ऑर्बिटल, इसका पी का कितना 3, 1, 2, 3, और डी का कितना 1 जो यूज हो रहा है। तो इस तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ हमारा वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यानी कि ये पांचों क्या बने हुए हैं, 1, 3, 1, 4, 1, 5, पांचों ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन प्रोसेस को ही हम जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसको ही हम जो है क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हम इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा देना चाहते हैं, यहाँ देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा कट गया था उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा। अब हम इसको रफ करते हैं, अब फिर जो है आगे बढ़ते हैं इसकी ज्योमेट्री के ऊपर। तो इस तरीके से ये देखिए PCl5 है, इसमें फास्फोरस सेंट्रल एटम है, और इसमें 5 क्लोरीन जो है लगे हुए हैं। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये PCl5 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।